नमस्कार दोस्तों, शेफ चंद्राज किचन में आपका स्वागत है। तो आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार लाजवाब स्नैक एपेटाइज़र आलू अकबरी। तो एक मुगलई डिश है, बहुत ही मज़ा आएगा, आप इसे ज़रूर आप ट्राई करिए। तो आइए हम इसकी रेसिपी अब देख लेते हैं। आलू की टिक्की के लिए हमें चाहिए 5 मीडियम साइज़ आलू, बॉइल्ड पील्ड और मैश किए हुए 4 चम्मच ब्रेड क्रम्स, 2 हरी मिर्च फाइनली चॉप्ड की हुई, 1 चम्मच कसूरी मेथी, 3 चम्मच किशमिश, 4 चम्मच ऑयल चाहिए हमें शैलो फ्राई करने के लिए। इसकी मुगलई ग्रेवी बनाने के लिए हमें चाहिए 2 चम्मच कुकिंग ऑयल, 4 से 5 हरी इलायची, 1 चम्मच एक दालचीनी, 3 हरी मिर्च स्लिट आधी कटी हुई, 3 मीडियम साइज़ प्याज चाहिए हमें स्लाइस किए हुए, 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 चम्मच सौंफ का पाउडर, 1 चम्मच काली मिर्च का पाउडर, आधा कप हमें बादाम चाहिए, 2 चम्मच मेलन सीड्स यानी खरबूजे के बीज चाहिए, आधा कप दही, नमक स्वादानुसार, रेड चिली पाउडर स्प्रिंकल करने के लिए चाहिए हमें, 2 चम्मच हमें चाहिए हरा धनिया गार्निश करने के लिए। तो आइए इसकी रेसिपी हम स्टार्ट करते हैं। पहले हम टिक्की बनाएंगे। तो ये मैंने आलू बॉईल किए थे, आलू आप बॉईल करें जैसे कि हम करते हैं आलू के पराठे के लिए। तो इसे ग्रेट कर लेंगे हम आलूओं को। ये देखिए ग्रेट कर लिए सारे आलू। ये ऊपर से मैंने ब्रेड क्रम्स डाले हैं, ब्रेड का चूरा, और ये नमक मैंने अब इसमें ऐड करा है। उसके बाद ये हरी मिर्च चॉप की हुई और ये कसूरी मेथी, आप धनिया भी इसमें डाल सकते हैं, धनिया की पत्तियाँ। और इसे अब हम अच्छे से हम इसे मिक्स कर लेंगे। बहुत ही मज़ेदार, सच में बहुत मज़ा आएगा, इसे आप ट्राई करिए। आलू ये आपके गीले नहीं होने चाहिए, आप थोड़ा देर इन्हें बॉईल करने के बाद आप फ्रिज में रख सकते हैं ताकि ये पानी इनका मॉइस्ट ना रहे, ये पानी ना छोड़ें, गीला ना रहे। ब्रेड क्रम्स भी मैंने इसलिए डाले हैं क्योंकि टिक्की थोड़ा कुरकुरी बनती है, मॉइस्ट नहीं होती। आप राइस पाउडर भी डाल सकते हैं, आटे जो चावल का आटा होता है वो आप इसमें डाल सकते हैं अगर ब्रेड क्रम्स नहीं है तो। बहुत ही मज़ेदार टिक्की में इतना कुछ हमें ज़्यादा ऐड नहीं करना है क्योंकि ये ग्रेवी में सर्व होंगे ये आलू। ये जो टिक्कियाँ बनेंगी इसकी ग्रेवी के साथ जाएंगी, जो मुगलई ग्रेवी बनेगी। तो आइए देखिए बिल्कुल रेडी है, अब इसकी हम टिक्कियाँ बनाएंगे। एकदम सही से ये मिक्स हो चुका है, आइए टिक्कियाँ बनाते हैं। हाथ में अगर ये चिपके तो आप थोड़ा सा आप ऑयल लगा सकते हैं, ऑयल या घी। तो इसे हम रोल करेंगे और पैट कर लेंगे, इसे फैला लेंगे। इसमें हमें फिलिंग करनी है किशमिश की, तो 3 से 4 आप किशमिश इसके अंदर आप स्टफ़ कर सकते हैं। ये इसके बाद इसे बंद कर लेंगे हम चारों साइड से और इसकी टिक्की रोल कर लेंगे अच्छे से, इसे क्लोज कर लेंगे अच्छे से, पैट करके दबा के हल्के हाथों से टिक्की बनानी है। ये देखिए बिल्कुल इसके जो किनारे हैं वो अच्छे से आप क्लोज़ कर लीजिए, मतलब इसमें क्रैक नहीं होना चाहिए। ये देखिए दबा दबा के जिस तरीके से मैं कर रहा हूँ, तो टिक्की बहुत ही परफेक्ट बनेंगी, बहुत मज़ा आएगा सच में। ये देखिए टिक्कियाँ एकदम मज़ेदार बन चुकी हैं, इन्हें साइड में रख लेंगे हम। ये देखिए, आइए मैंने बादाम पानी में उबाले हैं, इनके अब छिकले छिलके छिकले हम निकाल लेंगे, इनके कपड़े हम उतार लेंगे। एक बादाम वो दूर जाके गिरा है उसे मैं उठा के लाऊंगा अभी। तो ये पील ऑफ कर लिए हैं, ये देखिए आइए ग्रेवी बनाते हैं। एक कुकर में हम ऑयल डालेंगे, इसे गरम होने देंगे हम, अच्छे से गरम होने देंगे। आइए स्टार्ट करते हैं अब ग्रेवी बनाना। ये इलायची डाली है मैंने, 5 से 6 इलायची, ये दालचीनी, सिनेमन, थोड़ा इनकी खुशबू आ जाए ऑयल में,
उसके बाद ये हम हरी मिर्च डालेंगे स्लिट की हुई, बीच में से काटी हुई। बस थोड़ी देर बाद हम इसमें स्लाइस किए हुए प्याज इसमें ऐड कर लेंगे और इन्हें फ्राई करेंगे। हल्का सा फ्राई करना है, कम से कम 1 मिनट के लिए, ज़्यादा इसे भूनना नहीं है। इसके बाद हमें प्रेशर कुक करना है। ये जो ग्रेवी बनेगी ये इसी स्टाइल से बनती है। ये देखिए, अब डालेंगे हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट। अच्छे से इसे स्टर कर लेंगे ताकि अदरक लहसुन भुन जाए। हाँ, ये अब इसमें बादाम हम ऐड कर लेते हैं। ये बादाम जो मैंने छीले थे, पील ऑफ किए थे, वो ऐड कर लेंगे। अब हम इसे मिक्स कर लेंगे अब अच्छे से, और इसके बाद ये खरबूजे के बीज, मेलन सीड्स, इन्हें डाल लेंगे। फिर से स्टर कर लेंगे हम, अच्छे से स्टर कर लें। और ये अब इसमें मिलाते हैं हम दही। दही का ध्यान रखिए कि ये खट्टी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ग्रेवी होती है बहुत ही मज़ेदार, क्रीमी होनी चाहिए। तो दही का आप ध्यान रखें। ये काली मिर्च का पाउडर मैंने डाला है, और ये सौंफ का पाउडर, फेनल पाउडर। इसमें मसाले इसमें नहीं डालने हैं, ऑलरेडी इसमें हमने हरी मिर्च डाली हुई है, टिक्की में भी और इसमें भी। और नमक डालें आप स्वादानुसार। उसके बाद इसे मिक्स कर लेंगे अच्छे से, स्टर कर लेंगे। ये देखिए, अब इसे प्रेशर कुक करेंगे हम। इसमें पानी डाल के 2 कप पानी हम इसमें डालेंगे, और इसमें 3 से 4 सीटियां लगानी है ताकि अच्छे से कुक हो जाए। ये देखिए, बंद कर लिया इसे, ये सीटियां कंप्लीट हो चुकी हैं। ये अब हम इसे ओपन करते हैं। तो एक ब्लेंडर हम लेते हैं, इसमें ब्लेंड करके इसकी प्योरी बनाएंगे। वाइट मुगलई ग्रेवी, बहुत ही मज़ेदार क्रीमी ग्रेवी बनेगी। तो इसे ठंडा करने रखेंगे थोड़ा देर, और उसके बाद ग्रेवी बना लेंगे क्लोज करके। तो आइए, ग्रेवी रेडी है पूरी। तो इसे हम स्ट्रेनर की हेल्प से इसे छान लेंगे ताकि जो इसमें बड़े बड़े पीसेस, जो मसाले के, अगर बादाम भी हों वो रह गए हों, तो वो ऊपर आ जाएं। इसे हिला लेंगे, नीचे की स्मूथ ग्रेवी मिलनी चाहिए। देखिए, जो पीसेस इन्हें हटा लूँगा मैं, इन्हें फिर से पीस लूँगा। ये देखिए, स्ट्रेन कर लिया है अच्छे से। आइए, ग्रेवी देखते हैं अब हम। एकदम सिल्की ग्रेवी बनेगी, स्मूथ। इसे पकाना नहीं है, बस ये रेडी है। आप सीज़न कर सकते हैं, एक बार नमक वगैरह आप चेक कर सकते हैं कि ये टेस्ट में कैसा है। तो रेडी है, देखिए थिकनेस देख लीजिए इसकी, कंसिस्टेंसी इतनी होनी चाहिए। आइए, टिक्किया बनाते हैं। ऑयल डाला है पैन में, ऑयल और घी हम मिक्स करेंगे, और इसके बाद ये घी डाला है। इसे गर्म होने देंगे हम, और टिक्कियों को हम शैलो फ्राई करेंगे। अब ये टिक्कियाँ लिए, इन्हें शैलो फ्राई करेंगे। ध्यान रखिए, चार चार टिक्के डाले, उससे ज़्यादा नहीं। अगर पैन आपका बड़ा है तो आप 5 भी कर सकते हैं, 5 से 6, जितना आप। थोड़ा सा इसमें गैप्स होना चाहिए टिक्कियों में, एक दूसरे से चिपके ना। ध्यान रखिए, दोनों साइड से हमें कुक करना है, अच्छे से ब्राउन हो जाए। तो आप ध्यान रखिए, टिक्कियों को हमें शैलो फ्राई करते टाइम ध्यान रखना है कि ये ओवर क्राउड ना हो जाए पैन। एकदम मज़ा आएगा आज। तो फ्रेंड्स, लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, मुझे कमेंट में बताइएगा। ये टिक्की देखिए, इधर से फ्राई हो चुकी है, अच्छा कलर आ चुका है। दूसरी साइड से हम पलट के इन्हें पका लेंगे। ये अभी अभी अच्छे से नहीं पकी हैं, थोड़ा इन्हें फ्राई होने देंगे दूसरी साइड भी। ये देखिए, मज़ेदार इन्हें
निकाल लेते हैं क्योंकि ये वाली टिक्कियाँ हो चुकी है डन। एक टिश्यू पेपर लगा लेंगे ताकि तेल ना चिपके। तो ये आप आँच का ध्यान रखिए, थोड़ा मीडियम रखिए इस टाइम पे, पलटते रहिए अगर कुक नहीं हुआ है तो। ये स्नैक जो है आप खाने से पहले आप ले सकते हैं, या उसकी ग्रेवी में भी आप रुमाली रोटी वगैरह पराठा आप खा सकते हैं, जो मुगलाई ग्रेवी है। ये पलट लेते हैं अच्छे से। आप तवे में भी इन्हें आप शैलो फ्राई कर सकते हैं तवे की हेल्प से, उसमें ही बहुत मज़ा आता है तवे में। तो ये मुगलाई टिक्कियाँ फ्राई हो चुकी हैं, ऐसे ही करके हम सारी टिक्कियों को शैलो फ्राई कर लेंगे। आइए प्लेटिंग करते हैं। ये प्लेट्स मैंने लगाई हैं, अब इनमें मैं ग्रेवी डालूँगा। पहले वाइट ग्रेवी, मुगलाई ग्रेवी जो बनी है वो इसमें हम प्लेट्स में डाल लेंगे, फैला लेंगे थोड़ा। ये देखिए कलर देखिए, अच्छे से इन्हें डाल लेंगे हम ग्रेवी को प्लेट्स में। ये बिल्कुल मज़ेदार। आइए अब हम स्प्रिंकल करेंगे इसमें रेड चिली पाउडर, लाल मिर्च का पाउडर, अब धनिया की पत्तियां हम डालेंगे इसके ऊपर। टिक्कियों को पहले लगा लेंगे, ऊपर से धनिया की पत्तियां डालेंगे। तो गाइस ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करिएगा, ज़रूर बहुत मज़ा आएगा सच में। मुझे बताइएगा कि कैसी लगी रेसिपी, बना के बताइएगा कमेंट में। तो गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आलू अकबर इज़ रेडी। थैंक यू, बाय बाय।